काफ़ी मूव आज आई है इसमें नतीजों के साथ लेकर भी। एनएमडीसी एक और मेटल काउंटर जहां पर मूव अच्छी दिख रही है, इस पर भी रखेगा नजर। कोल इंडिया ये भी अच्छे एक्शन में आपको दिखा है। एक बार सनी जी से कोल इंडिया पर राय लेते हैं। सर बताएं, थोड़े दिन पहले नतीजे भी इसके आए थे, नतीजे तो दमदार रहे थे कोल इंडिया, कल नतीजों पर अच्छा रिएक्शन भी दिखा रहा था एक बार के लिए स्टॉक, जरा राय दें कोल इंडिया आज क्या करना है। या डेफिनेटली दीपांशु जी, कोल इंडिया के नतीजे काफी अच्छे आए थे और मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग रहने की सलाह रहेगी। बेसिकली इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है अगले 2 साल में, मुझे लगता है कि 1000 मिलियन टन का जो वॉल्यूम है कंपनी आराम से अचीव कर लेगी। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं जो अंडरग्राउंड माइन पे इन्होंने जो शटडाउन किया है उसका जो कॉस्ट सेविंग का बेनिफिट है वो कंपनी में आते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है, डिविडेंड यील्ड एट करंट मार्केट प्राइस भी 5 से 6% है और एट द सेम टाइम इनडायरेक्ट प्ले है पावर के लिए। तो अल्टीमेटली आपको थर्मल पावर प्लांट चलाना है या सीमेंट फैक्ट्री चलाना है तो कोल इंडिया ही आपका एक मेन फ्यूल का सोर्स है। तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए और जो जो इन्वेस्टर फ्रेश मनी डिप्लॉय करना चाहते हैं वो डिप्लॉय कर सकते हैं विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 525-550 ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 months। ओके, ये है आपके लिए कोल इंडिया, इस पर रखिए नजर, डिप पर ऐड भी कर सकते हैं, स्टॉक अच्छे एक्शन में आपको आते हुए दिखेगा। एसजे